इस सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दिया जाएगा, वो सरकार आज अब तक 4 करोड़ नौकरियां गायब कर चुकी है। और तकरीबन भारत के जितने 27-28 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, 27-28 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, उनका मर्जर करके 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में तब्दील कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता भारत सरकार के जो उपक्रम के जितने बैंक हैं वो अब तक बंद हो चुके होते और जनता का पैसा बेकार जाता। एक और बात मैंने सुनी है कि भारत के बैंकों में जो चाहे किसी का 10 करोड़ पड़ा हो, चाहे कोई 50 करोड़ पड़ा हो, लेकिन उसकी लाइबिलिटी सरकार की 1 लाख की है। आपको अगर बैंक बंद होते हैं, बैंक को किसी तरह हानि होती है, तो जनता का 1 लाख रुपया वापस मिलेगा। ये ऐसा कोई विधान आया हुआ है बैंकों के लिए, कोई सर्कुलर आया हुआ है। आपको बताएं महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक है जिसमें यह कर दिया है कि 6 महीने में 10,000 रुपये या तो निकाल सकता है या जमा कर सकता है। क्या कोई आदमी 10,000 रुपये से अपना धंधा, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री चला सकता है क्या? ये भारत सरकार से कोई पूछता नहीं है, कैसे चलाएगा अपनी फैक्ट्री, क्या भारत सरकार बता सकती है? और आप देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुँच गया है? कोई ऐसा तो नहीं है कि आज कुछ वर्ग के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे दलित लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हैं, उनकी ही हत्याएं क्यों हो रही हैं? 300 से ज्यादा यादवों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन किसी एक हत्या का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। किसी एक के घर माननीय मुख्यमंत्री जी आज नहीं गए, किसी एक के घर किसी को एक कोई रोजगार देने की बात नहीं करी, कोई डोनेशन देने की बात नहीं करी। क्या ऐसा भेदभाव वाली सरकार आप लोगों को चाहिए? क्या इस तरह की सरकार आप लोगों को पसंद है जो भेदभाव करती हो, देख के करती है? अगर तिवारी जी की हत्या हो जाए, चाहे कमलेश तिवारी की हो, चाहे विवेक तिवारी की हो, तो वो गवर्नमेंट अपने घर बुलाती है और उनको 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ सरकारी नौकरी का प्रावधान कर देती है। लेकिन अगर किसी यादव की हत्या हो जाए तो सरकार उसके दरवाजे तक उसको बुलाने की हिम्मत नहीं करती है, उल्टा उसको डंडे लाठी से कूटती और है। क्या ऐसी सरकार की आपको कल्पना कर सकते हो? मैं कहता हूं ये जो रावण राज्य आया हुआ, ये रावण राज्य है, इसमें जनता, विपक्षी पार्टियां नगण्य हो गई हैं, विपक्षी पार्टियां नहीं विरोध कर पा रही हैं, इसलिए जनता का अब दायित्व आ गया है। जनता अगर रोड पे नहीं आएगी ये रावण राज्य का अंत नहीं होगा। और जगह जगह कहीं पे खरदूसा बैठाए जा रहे हैं, कहीं पे मेघनाथ बैठाए जा रहे हैं, कहीं पे कुंभकर्ण बैठाए जा रहे हैं, और ये सारे के सारे जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। अगर इन अत्याचारियों का अंत जनता ही कर सकती है, नेता नहीं कर पाएगा। नेता ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लिया है, सारे स्टेटों को देख लीजिए, कहीं भी सारी विपक्षी पार्टियां धराशायी होती जा रही है। लेकिन जनता हमारे देश में जनार्दन है, जनता जिस दिन चलेगी, ये रावण रूपी राक्षस का अंत उसी दिन होगा। तभी राम पैदा होंगे जब जनता में ही राम पैदा होंगे, कहीं और अन्यथा राम नहीं पैदा होंगे। आसमान से राम नहीं आएंगे, किसी के गर्भ से पैदा होंगे राम, और जनता के बीच राम पैदा होगा जो रावण राज्य का अंत करेगा। अगर इस रावण राज्य का अंत करना तो मैं अपील करता हूँ, समाजवादियों से अपील करता हूँ, रोड पे आ जाओ, अपने लहू बहा दो, लेकिन इस सरकार की बात को मत मानो। सरकार जो भी कहती है, अभी मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में पूरे देश में आया हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानते होंगे, उस मोटर व्हीकल एक्ट में किसी का 2 लाख चालान हो रहा, किसी का 5 लाख चालान हो रहा, किसी का 6 लाख चालान हो रहा है। अरे ये व्यवस्था मोटर व्हीकल एक्ट पहले भी था, लेकिन चालान की राशि, जुर्माने की राशि कम थी, और उसमें भी अगर ये सत्ता चाहती तो ये कह देती भैया गाड़ी इनकी बंद कर दो, जुर्माने मत करो। मान लो किसी पे 3 व्हीलर है, उस पर 50,000 की वो गाड़ी, उससे पूरा परिवार चल रहा है, लेकिन जब वो गाड़ी जब्त हो जाएगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा? मान लो गाड़ी 50,000 की है, जुर्माना 2 लाख का है, वो 2 लाख कहाँ से भरेगा? तो इस तरह से जो काले कानून अंग्रेजों के लाए जा रहे हैं, ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये देश विदेशियों का नहीं है, ये सरकार भी हिंदुस्तानियों की है। तो इस तरह से काले कानून नहीं बनने चाहिए देश में जो जनता के हित में ना हो। ऐसा कोई कानून नहीं मानना चाहिए सरकार का। अगर ऐसे मानते रहोगे, अपने घर में बैठे रहोगे, तो आपकी हत्याओं का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। ऐसी सरकार अगर आती है तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ ऐसी सरकार का विरोध किया जाए। और मैं मीडिया का ज्यादा विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मीडिया का रोल आज की डेट में सबसे गलत हो गया है। मीडिया का रोल सबसे गलत है आज की डेट में, जो विपक्ष की बात को उठाने में नाकामयाब है।
जनता की बात उठाने में नाकामयाब है। सिर्फ क्या उठाती है, सरकार क्या कर रही है। आज वहाँ पे फूल झाड़ दिया, आज वहाँ पे झाड़ू लगा दिया, आज वहाँ पे कर दिया। मीडिया झाड़ू दिखाती है, पहले वो प्लांट किए जाते हैं फिर उसको हाईलाइट करते हैं। नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कूड़ा बीन रहे हैं। अरे उस कूड़ा बीनने से जनता का भला हो जाएगा क्या? मीडिया वालों को मैं समझाना चाहता हूं कि जनता के हित की बात भी उठाया करो। आपका काम ये नहीं है दलाली करना। आप सरकार की दलाली करना बंद कर दो, भारत सरकार में तख्ता पलट हो जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।